स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिखा शर्मा। चलिए सीधे रुख करते हैं फटाफट खबरों की ओर। संसद के बजट सत्र का आगाज, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अभिभाषण में कहा, देश में बिना डरे फैसले लेने वाली सरकार, एलओसी से एलएसी तक दुश्मन को किया कड़ा जवाब दिया, हर फैसला किया देश हित में। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 में 6 से 6.8% के बीच रहा सकती है जीडीपी, कमोडिटी के दामों में कमी से तेज होगी विकास की रफ्तार, कल पेश होगा आम बजट। आंध्र प्रदेश की नई राजधानी होगी विशाखापट्टनम, मुख्यमंत्री जगन रेड्डी ने किया ऐलान, आने वाले महीनों में सीएम भी वहीं होंगे शिफ्ट। और जेल में कटेगी आसाराम की जिंदगी, दुष्कर्म के मामले में आसाराम को आजीवन कारावास, गुजरात की गांधीनगर सेशन कोर्ट ने सुनाई सजा, जोधपुर जेल में बंद है आसाराम। केशव गुर्जर के बाद दो इनामी डकैत चढ़े पुलिस के हत्थे, धौलपुर पुलिस ने नरेश गुर्जर और बंटी पंडित को दबोचा, भारी मात्रा में अवैध हथियार भी बरामद। हिमाचल में बर्फबारी के बाद बड़ी मुश्किलें, 3 हाईवे, 496 सड़कें और कई गांवों की बिजली गुल। जम्मू कश्मीर में बर्फीले तूफान का अलर्ट, डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने किश्तवाड़ पुंछ समेत कई स्थानों पर बर्फीले तूफान का असर। पश्चिमी विक्षोभ का असर खत्म होने के साथ ही प्रदेश घने कोहरे की चपेट में, कोहरे और धुंध से विजिबिलिटी 0 से 5 मीटर तक पहुंची। कठुमर सहित क्षेत्र में मौसम में आया बड़ा परिवर्तन, बारिश के बाद क्षेत्र में छाया घना कोहरा, कोहरे ने संपूर्ण क्षेत्र को अपने आगोश में लिया जिससे तापमान गिरने से ठंड का प्रकोप बढ़ गया, वहीं कोहरा हटने के बाद सुबह सूर्यदेव के दर्शन। सार्वजनिक निर्माण मंत्री भजनलाल जाटव खेरली रेलगांव पहुंचे, वहां मृतक सीआरपीएफ कमांडेंट सुमेर सिंह जाटव को श्रद्धांजलि अर्पित की और शोकाकुल परिवार को ढांढस बताया। इस मौके पर मंत्री के साथ भुसावर पालिका अध्यक्ष प्रकाश चंद्र खेरली, सरपंच प्रशांत कुमार, कांग्रेस सेवा दल के पदाधिकारी अतियेंद्र कुमार सहित काफी ग्रामीण उपस्थित रहे। मंडावा क्षेत्र में पहली मावट के बाद सुबह से ही छाया घना कोहरा, वहीं क्षेत्र में घने कोहरे से विजिबिलिटी में कमी आई तथा वहीं वाहन चालकों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ा। अभी हाल ही में मावट होने से सिंचित क्षेत्र की चना, गेहूं और जो सरसों आदि फसलों को फायदा होगा, वहीं सर्दी के चलते लोग अलाव का सहारा लेते नजर आए। घायल नीलगाय के बच्चे का उपचार कर पशु कल्याण पखवाड़े का समापन किया, एलएसए गोविंद भारद्वाज ने पशु कल्याण पखवाड़े के समापन के दौरान लोगों को पशु पक्षियों की रक्षा करने के लिए संकल्प दिलाया। पशु कल्याण पखवाड़े के दौरान भारद्वाज ने 15 नीलगाय के बच्चे, 107 गाय, 10 मोर, 1 बाज और 16 छोटे परिंदों को उपचार किया। पशु कल्याण पखवाड़े के दौरान जीव प्रेमी डॉक्टर गौरीशंकर शर्मा, दिव्या शर्मा और मोहित शर्मा ने भी घायल पशु पक्षियों की सेवा की। अलवर के राजगढ़ में जोनेटा स्थित मनसा माता मंदिर में मनसा माता ग्राम विकास समिति और ग्रामीणों के सहयोग से क्षेत्र की खुशहाली और सुख समृद्धि कामना के लिए महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा। यहां चल रहे 9 दिवसीय शतचंडी महायज्ञ एवं श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ कार्यक्रम के दौरान कथा के 5वें दिन नंदोत्सव धूमधाम से मनाया गया। अलवर के राजगढ़ में राजपुर बड़ा गांव स्थित कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय से में शैक्षिक किशोरी बाल मेला और वार्षिकोत्सव भामाशाह सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सरपंच अंजना शर्मा की अध्यक्षता में कार्यक्रम आयोजित किया गया। राजकीय महाविद्यालय राजगढ़ में महिला अध्ययन प्रकोष्ठ की 1 दिवसीय कैरियर काउंसलिंग कार्यशाला का आयोजन किया गया। प्राचार्य डॉक्टर राव सज्जन सिंह की अध्यक्षता में आयोजन किया गया। कार्यक्रम के प्रथम मुख्य वक्ता डॉक्टर शिव शरण कौशिक ने युवा पीढ़ी को लेकर संबोधित किया। सांगानेर में प्रताप नगर सेक्टर 8 में पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में सांसद रामचरण बोहरा ने शिरकत की। कार्यक्रम में पहुंचकर पूज्य उपाध्याय 108 ऊर्जयंत सागर मुनिराज और गणिनी आरिका 105 विशुद्ध मति का आशीर्वाद लिया। इस अवसर पर चेतन निमोनिया राजेश जैन मौजूद रहे। सूरजगढ़ इलाके में सर्दी का सितम लगातार जारी है। इलाके में पड़ रही सर्दी से जनजीवन अब पूरी तरह से प्रभावित दिखाई दे रहा है। इलाके में घना कोहरा के साथ ही शीतलहर का प्रकोप भी जारी है। सर्दी और शीतलहर से किसानों की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। सांगानेर के प्रताप नगर में पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव विश्व शांति महायज्ञ में जैन समाज के भक्तिमय मांगलिक कार्यक्रम में भक्तों का जन सैलाब उमड़ा। पूज्य उपाध्याय ऊर्जयंत सागर मुनिराज का मिल रहा प्रवचनों से आशीर्वाद।
काफी दिनों से पानी नहीं आने की शिकायत पर मलसीसर कस्बे के वार्ड नंबर 14 के निवासियों द्वारा शिकायत की गई। वहीं शिकायत के बाद जब सर्विस लाइन को चेक किया गया तो पाइपलाइन में मरा हुआ कबूतर फंसा हुआ पाया गया। जानकारी के अनुसार जलदाय विभाग के द्वारा पानी सप्लाई के लिए बनाई गई पानी की टंकी के ऊपर से खुला हुआ होने के कारण टंकी में पक्षी गिर जाते हैं, जो पानी की सप्लाई खोले जाने पर पाइपलाइन में फंस जाते हैं। जलदाय विभाग की लापरवाही के चलते आम जन को काफी समय से दूषित पानी पिलाया जा रहा है। टोडा भीम के कंजौली गांव में ग्यारसा पटेल के निवास पर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन चल रहा है। कथा वाचक केशवदास शास्त्री ने कथा का वाचन किया। उन्होंने श्री कृष्ण भगवान की कथा सुनाई। सीकर के ग्राम भारीजा में मां और उनके बेटे को दहेज के लिए ससुराल पक्ष द्वारा हत्या कर कुएं में डालने के मामले में ACGAM न्यायालय दांतारामगढ़ के आदेश पर 5 जनवरी को पुलिस थाना दांतारामगढ़ में मामला दर्ज हुआ है। इस संबंध में मृतक महिला की नानी तीजू देवी ने पुलिस थाने में 20 नवंबर 2022 को रिपोर्ट दी थी। उसके बाद अभी तक किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं होने के कारण परेशान परिजनों ने पुलिस अधीक्षक से मिलकर न्याय के लिए गुहार लगाई। जालौर के जसवंतपुरा में राजपूत प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। राणा नृपाल देव छात्रावास जसवंतपुरा में आयोजित कार्यक्रम में 54 बालिका और 52 बालकों को सम्मानित भी किया गया। समदड़ी क्षेत्र के ग्राम पंचायत जेठंतरी में एक दिवसीय संस्थागत कृषक प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। इस दौरान कृषकों को रबी के मौसम में बारिश से फसलों को नुकसान होने पर 72 घंटे के अंदर टोल फ्री नंबर पर कृषि विभाग को सूचना देने की जानकारी दी गई। भाजपा युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष दिलीप शर्मा के नेतृत्व में नवनियुक्त भाजपा जिलाध्यक्ष बालोतरा बाबू सिंह राजगुरु का मंडली मंडल द्वारा नागाणा में स्वागत और अभिनंदन किया गया। सर्वप्रथम मां नागाणा राय मंदिर के दर्शन किए और क्षेत्र में खुशहाली को लेकर कामना की। टोडा भीम क्षेत्र में बारिश के बाद घना कोहरा छाया रहा। वहीं सर्दी बढ़ने से लोगों का जनजीवन प्रभावित हुआ। बरसात से फसलें आड़ी पड़ी नजर आई, जिससे गेहूं की फसलों को भी नुकसान होने से किसानों की चिंता बढ़ गई। पुलिस ने वणधर गांव में मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए एक अवैध देसी कट्टा, एक देसी टोपीदार बंदूक, 5 कारतूस सहित एक आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार जालौर पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाला के निर्देशन में पुलिस निरीक्षक लक्ष्मण सिंह चंपावत में पुलिस टीम मुखबिर की सूचना पर वणधर गांव पहुंचे, जहां से आरोपी भवरा राम को गिरफ्तार किया। शहर के द्वारा धोराधाल स्थित बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में भामाशाह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें नीलकंठ महादेव मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के आयोजक मुफ्त सिंह राव का बहुमान किया गया। इस अवसर पर भामाशाह मुफ्त सिंह राव ने कहा कि 17 से 27 जनवरी तक नीलकंठ महादेव मंदिर में आयोजित मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में लाखों श्रद्धालुओं ने शिरकत की। बाड़मेर के समदड़ी में मां आशापुरा चौक में स्थित मां आशापुरा माताजी के मंदिर में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी शुभ मुहूर्त में सिंघवी परिवार की ओर से यज्ञ की पूर्ण आहुति हुई है। उसके बाद भव्य जागरण का आयोजन भी किया गया। शहर के कछहरी रोड स्कूल में भगत सिंह सेना द्वारा एक शाम गोमाता के नाम भजन संध्या का आयोजन किया गया। भजन संध्या में राजस्थान के प्रसिद्ध कलाकार छोटे सिंह रावणा ने एक से बढ़कर एक भजनों की प्रस्तुतियां दी। अवैध बजरी परिवहन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए बजरी से भरे 6 डंपर पकड़ने में पुलिस को सफलता हासिल हुई। अधीक्षक बाड़मेर द्वारा अवैध बजरी खनन और परिवहन की रोकथाम एवं धरपकड़ हेतु चलाए अभियान चलाया गया। मदनलाल मीणा वृत्ताधिकारी के नेतृत्व में पुलिस थाना मंडली की स्पेशल टीम ने सरहद कोरना में नाकाबंदी के दौरान परालिया की तरफ से आ रहे 6 डंपरों को जब्त। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर में सीमा जन कल्याण समिति के द्वारा राजकीय उच्च प्राथमिक स्कूल और महर्षि दयानंद कन्या महाविद्यालय में नशे से दूर रहने का आह्वान किया गया। समिति के प्रदेश उपाध्यक्ष चिमन शर्मा और प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हेतराम बिश्नोई ने छात्र छात्राओं को नशे से दूर रहने की प्रेरणा के साथ इतिहास से जुड़ी जानकारियां दी। क्षेत्र में घना कोहरा छाया रहा। कोहरे के साथ ठंडी हवा चलने से भी जनजीवन प्रभावित हुआ। कोहरे का यातायात पर भी खास असर देखा गया। कोहरे की वजह से रेलगाड़ियों के संचालन में भी देरी हुई। आमजन ने सर्दी से बचने के लिए अलाव का सहारा लिया। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रांगण में वार्षिकोत्सव एवं पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन धूमधाम से किया गया, जिसमें विद्यालय के बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम और देशभक्ति गीत प्रस्तुत किए गए। माघ शुक्ल दशमी के उपलक्ष पर बाबा रामदेव मंदिर कच्ची ठेड़ी में बाबा के जागरण का आयोजन किया गया, तो वहीं सुबह हवन यज्ञ करने के बाद बाबा के भंडारे का आयोजन भी किया गया। वहीं विशेष आकर्षक झांकियां भी निकाली गई।
श्रीकरणपुर की एफ माइनर की टेल पर एक व्यक्ति का शव बहकर आ गया। खेतों में काम कर रहे किसानों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। पानी में बहकर आए मृतक व्यक्ति का मुंह जला हुआ था और शरीर पर भी जलने के निशान पाए गए। श्रीकरणपुर नगर पालिका अध्यक्ष रमेश बसल शहरी सौंदर्यकरण को बढ़ावा देने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहे। कनिष्ठ अभियंता अभिषेक गौतम ने बताया कि रेलवे फाटक के दोनों ओर आकर्षक सीनरियां बनाई जा रही हैं, जो महत्वपूर्ण संदेश के साथ ही अपने अनोखे डिजाइन से हर किसी को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। जैसर के नजदीकी गांव 3 SAD के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में वार्षिकोत्सव और पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया। शाला के प्रधानाचार्य जगतार सिंह ने बताया कि इस दौरान विद्यार्थियों ने राजस्थानी, पंजाबी, हरियाणवी लोकगीतों पर बेहतरीन प्रस्तुतियां दी। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर के फौजूवाला धाम पर लोक देवता बाबा रामदेव का मेला भरा गया। अल सुबह से ही मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की कतारें लग गई थी, जिसके चलते हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने बाबा के दर्शन किए। मेला स्थल पर कानून व्यवस्था को लेकर बड़ी संख्या में पुलिस जाब्ता भी तैनात रहा। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर में राजस्थान शिक्षक संघ की उपशाखा के वार्षिक अधिवेशन में सर्वसम्मति से देवी सिंह अध्यक्ष चुने गए। संगठन के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य राजेश भणभैरू ने बताया कि मुख्तार सिंह सचिव, चैनसुख शर्मा कोषाध्यक्ष और राकेश वर्मा वरिष्ठ उपाध्यक्ष चुने गए। किसान नरमे की फसल में तेजी के आसार को लेकर लंबे समय से इंतजार कर रहा है, लेकिन नरमा के भाव स्थिर हैं। नरमा के अधिकतम बाजार भाव 8,285 रुपए प्रति क्विंटल रहे। उदयपुर के ऋषभदेव CSC प्रसूता को लेकर सागवाड़ा जा रही एम्बुलेंस का बीच राह में पेट्रोल खत्म हो गया। तकरीबन 1.25 घंटे बाद जब पेट्रोल लाया गया, तब पेट्रोल भरकर एम्बुलेंस को रवाना किया गया। पायलट किशन लाल ने बताया कि प्रसूता को छोड़ने जा रहे थे, इसी दौरान बीच राह में पेट्रोल खत्म हो गया। उदयपुर के जलारा क्षेत्र में सरदार पटेल डांगी विकास संस्थान राजस्थान शोभावाटी क्षेत्र शिक्षा एवं अन्य विकास गतिविधियां निम्नानुसार संचालित करने हेतु कमेटी रजिस्टर्ड करवाने के लिए बैठक आयोजित की गई। उक्त बैठक की अध्यक्षता शंकर पटेल देवगांव ने की, जिसमें शोभावटी क्षेत्र के सभी युवाओं की सहमति से समाज को नई दिशा में ले जाने के लिए समाज के युवा द्वारा कार्यकारिणी गठित की गई थी, जिसकी शपथ सलूम्बर में दिलवाई गई। उदयपुर के लसाड़िया उपखंड क्षेत्र में पैंथर ने फिर शिकार किया। पैंथर ने देर रात मालों का गुटा में गाय को निशाना बनाया। बाड़े में बंधी गाय को उठा कर ले गया पैंथर। ग्रामीणों ने क्रूर वनपाल को इसकी सूचना दी। उदयपुर की गोगुंदा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक सोसाइटी में लाखों रुपए के गबन करने और रुपए हड़पने के मामले में एक महिला को गिरफ्तार किया। दरअसल गोगुंदा थाना क्षेत्र में ही दी इंडियाना क्रेडिट को ऑपरेटिव सोसाइटी में कार्यरत सीमा भटनागर को धोखाधड़ी के खिलाफ मामला दर्ज हुआ। जलापाटन राजस्थान विद्युत ठेका कर्मचारी संघ की बैठक हेड़ापति बालाजी में संपन्न हुई, जिसमें विद्युत ठेका कर्मचारियों की आर्थिक हालत पर चर्चा की गई। ठेका कर्मियों की मांग की गई है कि जब तक स्थायी नहीं किया जाता, तब तक इनका वेतन 21,000 किया जाए। जलवाड़ के बकानी ब्लॉक की ग्राम पंचायत करल गांव में जल जीवन मिशन की बैठक का सरपंच सोरम बाई लोधा की अध्यक्षता में आयोजन किया गया। इस दौरान बैठक में PHED के अभियंता राकेश प्रजापति, यशवंत प्रजापति और सदस्य छगनलाल लक्ष्मीनारायण चौहान, ठेकेदार साइट इंचार्ज दीपेंद्र सरपंच, प्रतिनिधि राय सिंह लोधा, ग्राम विकास अधिकारी रामेश्वर शर्मा सहित ANM आशा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका मौजूद। अकलेरा के भालता पुलिस ने मकान निर्माण को लेकर हुए विवाद में जानलेवा हमला करने के मामले में फरार दो आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। मामला लसूड़िया गेंद गांव का है। दो परिवारों में हुआ था आपसी झगड़ा, इसके बाद फरार आरोपियों को पुलिस ने गांव से ही गिरफ्तार कर लिया। इटावा क्षेत्र की निमसरा गांव में करीब 100 फुट गहरे कुएं में एक 50 वर्षीय महिला ने छलांग लगा दी, जिसकी सूचना के बाद खातौली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और इटावा से हयात खान उर्फ टाइगर की मदद लेकर देर रात्रि को उक्त महिला के शव को बाहर निकाला गया। खातौली SHO रामस्वरूप राठौड़ ने बताया कि मृतका इंद्राबाई वाल्मीकि निमसरा गांव की निवासी थी। महिला के शव को बाहर निकलवाकर इटावा अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। मामले का अनुसंधान लगातार जारी। बारा के किशनगंज में विद्युत निगम की ओर से बकाया घरेलू उपभोक्ताओं एवं किसानों से वसूली अभियान के तहत बकाया वसूली की जा रही है। बिल राशि जमा नहीं कराई जा रही, उनके कनेक्शन भी काटे जा रहे हैं। बारा के किशनगंज में बारिश के बाद सोमवार रात्रि से मंगलवार को सुबह घना कोहरा छाया रहा। सर्दी बढ़ने से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए एक बार फिर से रुख करते हैं फटाफट खबरों की। नागौर के रियाबड़ी पंचायत समिति सभागार में साप्ताहिक बैठक का हुआ आयोजन। इस दौरान उपखंड अधिकारी गौरीशंकर शर्मा ने विभिन्न कार्यों की समीक्षा की, साथ ही अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। बांसवाड़ा में सांसद कनकमल ने केंद्रीय बजट को लेकर जताई उम्मीद, कहा बजट में सरकार जनजाति क्षेत्र के विकास के लिए कई योजनाओं की घोषणाएं कर सकती है। झुंझुनू के घरडाना में खुद में शहीद कुलदीप राव के नाम से स्टेडियम बनाने की घोषणा का मामला, ग्रामीणों ने प्रदर्शन कर घोषणा जल्द पूर्ण करने की मांग की। नागौर के मुंडवा में कोहरे के चलते हादसा हुआ, दो ट्रक आपस में जा भिड़े, हादसे में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया जिसका सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कुचेरा में उपचार जारी। पाली के सुमेरपुर क्षेत्र में अल सुबह से छाया घना कोहरा, वाहन चालकों को हुई खासा परेशानी, वहीं चाय की थड़ियों पर लोग चाय की चुस्कियां लेते हुए नजर आए। सीकर के नीमका थाना में छाया घना कोहरा, वहीं सर्द हवाओं से तापमान में गिरावट दर्ज की गई, कई ग्रामीण इलाकों में विजिबिलिटी 40 से 50 मीटर तक ही रह गई। जैसलमेर में युवक की सड़क हादसे में मौत का मामला, हजूरी समाज ने मौन जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया, वहीं मुआवजे सहित विभिन्न मांगों को लेकर कलेक्टर को सीएम के नाम ज्ञापन भी सौंपा गया। तालेड़ा के NH-52 पर वरुंधन चौराहे के पास हुआ सड़क हादसा, अनियंत्रित कार ने दूसरी कार को मारी टक्कर, हादसे में एक शख्स की दर्दनाक मौत। सीकर के फतेहपुर शेखावाटी में मावट की बारिश से सर्दी बढ़ी, तापमान में गिरावट के साथ कोहरा छाया, वहीं विजिबिलिटी कम होने से वाहन चालकों को आवागमन में खासा परेशानी। प्रतापगढ़ में राजकीय प्राथमिक विद्यालय भमेरिया के चारों तरफ गंदगी से आमजन परेशान हुआ, आम रास्ते में कीचड़ से छात्रों को आने जाने में परेशानी। पाली के रायपुर में भी मौसम के मिजाज बदले, सुबह से धुंध छाई, हाईवे पर लाइट जलाकर रेंगते नजर आए वाहन, वहीं जगह जगह चाय की थड़ियों पर अलाव का सहारा लेते हुए लोग नजर आए। प्रतापगढ़ में वनकर्मियों ने अपनी 15 सूत्री मांगों को लेकर उप वन संरक्षण को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा, मांगे नहीं मानने पर 1 फरवरी को जयपुर में महारैली कर आमरण अनशन की चेतावनी दी। नागौर के जायल में आज सुबह की शुरुआत घने कोहरे के साथ हुई, कोहरे का असर सुबह 11 बजे तक देखने को मिला, कोहरा इतना घना था कि विजिबिलिटी मात्र 50 से 100 मीटर तक की ही रह गई। प्रतापगढ़ के हतुनिया थाना क्षेत्र में गोवंश की तस्करी करते ट्रक को पुलिस ने पकड़ा, इस दौरान पुलिस ने 36 गोवंश को मुक्त कराया। जोधपुर के तिवरी में ओसिया चौराहे पर पिकअप गाड़ी और कार में भिड़ंत हो गई, गनीमत रही कि इस दौरान कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, सूचना मिलने पर तिवरी पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों वाहन कब्जे में लिए। और इसी के साथ फिलहाल स्पीड न्यूज में इतना है, आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी।